अब लेवल क्या था प्रश्न का आपके अनुसार था या आपको जितना अपेक्षा किए थे उससे ज्यादा टफ था? एवरेज था। क्या लगता है एनसीईआरटी से कवर किया गया था या प्रीवियस ईयर किस टाइप का था? दोनों से था। एग्जाम सही गया? एग्जाम सही गया है ना। टफ था थोड़ा सा। फिलहाल तो हम बोर्ड्स के लिए तैयारी कर रहे थे, मतलब बोर्ड्स भी तो बीच में है। हाँ। नमस्कार, मैं हूँ संजीत और आप देख रहे हैं जनता रिव्यू। अभी मैं इस वक्त मौजूद हूँ एग्जामिनेशन सेंटर, जो कि पता होगा कि मेंस जी मेंस का एग्जाम हो रहा है। अभी अभ्यर्थी एग्जाम दे करके आ रहे हैं, अभ्यर्थियों से बात करेंगे कि क्या लेवल था प्रश्न का और क्या भीड़ लगा हुआ है। सब गार्जियन लोग हैं इधर, अपने अभ्यर्थी अपने स्टूडेंट्स को रिसीव करने के लिए खड़े हैं, देख सकते हैं आ रहे हैं लोग। चलिए बात करते हैं। टफ था थोड़ा सा। एटम्स ही सबसे था। खुशी सिंह। कहाँ से आप एग्जाम देने आए हैं? पीटीपीएस पत्रा। कैसा एग्जाम गया आपका? ठीक ठाक गया। क्या लगता है सिलेक्शन हो पाएगा? लगता तो है। एग्जाम से पहले क्या प्रिपरेशन था आपका, क्या कौन सा वे में तैयारी करते थे, कैसा थॉट्स? फिलहाल तो हम बोर्ड्स के लिए तैयारी कर रहे थे, मतलब बोर्ड्स भी तो बीच में है। कैसा गया आपका एग्जाम? मॉडरेट गया। आप कहाँ से आए एग्जाम देने? यहाँ हम गए कुजू साइड से। तो क्या एग्जाम से पहले कैसा तैयारी था आपका? मीडियम ही था। मीडियम ही था। तो क्या लगता है रिजल्ट हो पाएगा आपका? अब रिजल्ट के बाद पता चलेगा। ये रिजल्ट के बाद पता चलेगा। मतलब कॉन्फिडेंस कैसा है? कॉन्फिडेंस ठीक है। एग्जाम गया होगा वही हिसाब? एग्जाम सही गया। एग्जाम सही गया है ना। चलिए काफी शानदार है, लोगों का एग्जाम सही गया है। कैसा गया एग्जाम आपका? मॉडरेट। विवेक कुमार सोनी। एग्जाम कैसा गया आपका? अच्छा गया। वो ऐसा क्वेश्चन याद होगा आपको? नहीं याद नहीं। याद नहीं है तब? फिजिक्स भी ठीक था। हाँ। केमिस्ट्री भी ठीक था। हाँ। तो कौन सा बुक से ज्यादा प्रश्न आया हुआ था, एनसीईआरटी था या क्या लेवल था प्रश्न का? सब अलग अलग था। अच्छा, मतलब अलग अलग। तो क्या लगता है जो प्रीवियस ईयर बच्चे पढ़ेंगे, स्टूडेंट पढ़ेंगे, तो कवर हो पाएगा? हाँ, हल्का हल्का हो जाएगा। अच्छा, प्रीवियस ईयर से कुछ कुछ प्रश्न आए थे और कुछ अलग भी था। एनसीईआरटी से था? नहीं, एनसीईआरटी से नहीं था। नहीं। तो टोटल आप कितना अटेम्प्ट किए हैं क्वेश्चन? पूरा नहीं किए। पूरा नहीं किए? लगभग कितना किए? 30-40। सात रुपये। कहाँ से आप आए एग्जाम देने? सिमडेगा। कैसा गया आपका एग्जाम? बढ़िया गया। कैसा कैसा क्वेश्चन आया था, लेवल क्या था क्वेश्चन का? मीडियम हार्ड था। अच्छा, मीडियम हार्ड था। और कौन सा बुक से ज़्यादा कवर किया गया था, एनसीईआरटी आता प्रीवियस ईयर था? प्रीवियस ईयर जो प्रीवियस ईयर था। और एनसीईआरटी से प्रश्न आया था, लोग बोलते हैं एनसीईआरटी पढ़ो, उसमें भी ऑर्गेनिक आया था। अच्छा, तो आपका किस वेब में तैयारी था, कैसा तैयारी था? मीडियम था। और क्या लगता सिलेक्शन हो पाएगा? पता नहीं। आज का शिफ्ट थोड़ा टफ था पहले से। और एनसीईआरटी केमिस्ट्री एनसीईआरटी से था। फिजिक्स फार्मूला बेस्ड था। अच्छा, और मैथमेटिक्स लेंदी था, बहुत ज्यादा था। तो आपका कितना अटेम्प्ट किए, आप कितना प्रश्न अटेम्प्ट किए? 47। 47, काफी मेहनत की। क्या सोच के तैयारी करते थे, तैयारी जिसमें कर रहे होंगे बोर्ड का एग्जाम देने के लिए, तो फिर इसके लिए प्रॉपर किए थे आप तैयारी? नहीं, हम तो ड्रॉपर थे। जब प्रॉपर थे? हम ड्रॉपर थे, मेरा बोर्ड हो चुका था। जब बोर्ड हो चुका तो क्या लगता सिलेक्शन हो पाएगा? वो तो रिजल्ट ही बताएगा। कैसा लेवल क्या था प्रश्न का? इजी था। तीनों सब्जेक्ट में ज्यादा इक्वल था क्वेश्चन? एनसीईआरटी क्या लगता है एनसीईआरटी से कवर किया गया था या प्रीवियस ईयर किस टाइप का था? दोनों से था। दोनों से था। तो आपका तैयारी कैसा था? अच्छा था। एग्जाम कैसा गया आपका? अच्छा गया। क्या लगता है सिलेक्शन हो सकता है? वो तो रिजल्ट के बाद पता चलेगा। आप कहाँ से एग्जाम देने आए? यहीं पे हजारीबाग से। कैसा एग्जाम गया आपका? ठीक था। कैसा लेवल क्या था प्रश्न का आपके अनुसार था या आपको जितना अपेक्षा किए थे उससे ज्यादा टफ था? एवरेज था। एवरेज था। क्या लगता है सिलेक्शन हो पाएगा? पता नहीं, मेरा तो फर्स्ट अटेम्प्ट था। आप देखिए, फर्स्ट अटेम्प्ट था। हाँ। कि बोर्ड का तैयारी करते हुए इसको दे दिया। हाँ। सबसे बात कर रहे तो यही लग रहा है। आपका क्या नाम हुआ? मैं आकांक्षा प्रियम। को ऐसा प्रश्न याद होगा आपको? वैसा याद तो नहीं है। याद नहीं है। कैसा लगा एग्जाम देने में आपको, फर्स्ट अटेम्प्ट था या सेकंड अटेम्प्ट? फर्स्ट था। फर्स्ट अटेम्प्ट था। हाँ। कितना अटेम्प्ट की, कितना प्रश्न? अप्रोक्स 30-35 क्वेश्चन। आपके लेवल में था या तो अपेक्षा की थी उससे हाई था? नहीं, केमिस्ट्री लगा थोड़ा हाई और मैथ्स भी। एनसीईआरटी से था प्रश्न? हाँ, केमिस्ट्री में तो लग रहा था। प्रीवियस ईयर? हाँ, प्रीवियस ईयर मिल रहा था, फिजिक्स में मिल रहा था। को क्या सजेस्ट करना चाहेंगे कि आप एग्जाम दे करके निकल गए, अनुभव तो है, तो क्या कौन सा किताब पढ़ना चाहिए? PYQ करना चाहिए। अच्छा, PYQ करना चाहिए, फॉर्मूला पता होना चाहिए। अच्छा, सुने फिजिक्स में फॉर्मूला बेस्ड था। हाँ। अधिकतर मैथ्स में कैसा था? मैथ्स में तो थोड़ा डिफिकल्ट लगा है, थोड़ा लोग बोल रहा है लेंदी टाइप में था। हाँ, 24-25 के हिसाब से ज्यादा टफ था मैथ्स। 24-25 में जैसा क्वेश्चन आया था उसके हिसाब से ज्यादा टफ दे रहा। लोग बोल रहे हैं कि ये शिफ्ट में थोड़ा ज्यादा टफ था। हाँ, टफ था पहले से। आपका तैयारी कैसा था मैथ्स को लेकर के या फिजिक्स केमिस्ट्री को लेकर? फिजिक्स उतना ठीक से नहीं था, मैथ्स और केमिस्ट्री था। कितना अटेम्प्ट किया? 20।
काफी लोग रिजल्ट के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता है, जब तक रिजल्ट नहीं आ जाता है तब तक कुछ नहीं लोग कह सकते। अभी एग्जाम देकर निकले नहीं, सेकंड शिफ्ट में है अभी। अच्छा, एग्जाम देने जा रहे हैं तो कैसा अंदर फील हो रहा है एग्जाम देने जा रहा है? फर्स्ट अटेम्प्ट है सेकंड अटेम्प्ट है? सेकंड। सेकंड है। चलिए, कैसा तैयारी आपका? अच्छा है। देखिए, ये सेकंड शिफ्ट का एग्जाम देने वाले हैं ये लोग। 2 बजे एंट्री इन लोग का मिलेगा और 6 बजे तक एग्जाम होगा ये लोग। यस। अभी बहुत दूर दूर से लोग यहाँ सेंटर पढ़ता है, लोग आते हैं एग्जाम देने। तो तैयारी कौन बुक से ज्यादा किया? प्रीवियस ईयर पे ज्यादा ध्यान दिए हैं या एनसीईआरटी? किस वे में तैयारी किया? कोचिंग का सिटी मटेरियल से। अच्छा, कोचिंग करते थे, प्रॉपर तैयारी करते थे इसके लिए। तो क्या लगता है सिलेक्शन कैसा, सिलेक्शन हो जाएगा? हाँ, हो जाएगा। एग्जाम देने के बाद पता चलेगा। एग्जाम दे के निकल रहे, वो लोग से पूछ रहे तो लोग पता ही नहीं है, तो आप तो एग्जाम अभी तक दिए भी नहीं है। चलिए, क्या नाम हुआ सर आपका? ध्रुव। आप एग्जाम देने वाले या देंगे? देंगे देंगे देंगे। अच्छा, अभी देंगे। कहाँ से आप एग्जाम देने आए? कोडरमा से। कोडरमा से। तैयारी कैसा आपका? तैयारी तो अच्छा है। नहीं, कोचिंग ही करते थे। कोचिंग करते थे। देखिए, ये लोग एग्जाम अभी देने वाले हैं, ये लोग को ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, क्योंकि जो एग्जाम दे करके आ रहे हैं उनको थोड़ा ज्यादा अनुभव, एक बार दे चुके हैं। चलिए, थैंक यू।